नमस्कार, स्वागत है आपका ATS News 11 में देश भर की ताजा खबरों के साथ। मैं रश्मि। हमारे YouTube चैनल ATS News 11 को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले और बने रहे हमारे साथ। मैं इमानुएल दास, जिला प्रभारी भभुआ कैमूर, ATS News में आपका स्वागत करता हूँ। आइए आज हम आपको ऐसे शख्सियत से मिलाते हैं जो 1998 से लेकर अब तक किसान, गरीब व्यक्ति जिनके पास अपने खेतों में खेती करने के लिए उपजाऊ नहीं है, उन लोगों के लिए इन लोगों ने कुछ पैसे कर, कुछ राशियों को जुटा कर उन लोगों के हित में मदद किया। आइए वैसे सक्सेस से आज आप लोगों को रूबरू कराते हैं। ये संस्था जो है ना 1998 से चला है और इसमें जो दिक्कत हुआ, हम लोग जो ट्रैक्टर जमा करते थे इलेक्शन में, उसका पैसा नहीं मिलता था समय से ना, तो हम लोग हर किसान अपना यूनाइट हुए और प्रशासन से मांग किए तो हम लोग को पैसा समय से मिलने लगा। और ये हम लोगों का जो संस्था है भ्रष्टाचार के खिलाफ में लड़ाई लड़ते आ रहे हैं, पहले से ही आ रही है। और शुरू में बैंक में जैसे अथवा था और लोन लेने में दिक्कत होता था, तो हम लोग बैंक मैनेजर से प्रेस करके तो उनको लोन दिलाते किसानों को। हाँ, ट्रैक्टर वगैरह, ताली वाली का रजिस्ट्रेशन वगैरह, फलान ठिकान सब हम लोग कराते थे, लाइसेंस भी करवाते थे निःशुल्क। हाँ, उसमें कोई घूस घास नहीं लोग देते थे। और ब्लॉक स्तर पर सब जो भ्रष्टाचार था मोटेशन रजिस्ट्रेशन के लिए, इसमें हम लोग भी मध्य धरना प्रदर्शन किए और तालाबंदी भी किए CO साहब का। और ये जो संस्था है चलती रही। इसके बाद हम लोग देखे कि बीच में खाद जो है कालाबाजारी होने लगा और ब्लैक मार्केटिंग होगा, तो हम लोग अपना यूनाइट हुए कहा कि क्यों ना हम लोग अपना सरकार का स्वावलंबी समिति बना करके शेयर के माध्यम से अपना खाद मंगा करके सब किसानों को दें। तो हम लोगों ने यूनाइट हुए और इसके बाद 2001 में हम लोग अपना शेयर से 25 लाख रुपया जमा कर करके कैमूर जिला स्वावलंबी सहकारी समिति के नाम से, बैठकों के नाम से इसको रजिस्टर्ड कराए। और इसमें हम लोग टाटा पारस, टाटा डाई, इफ्को यूरिया ये सब मंगाने लगे और हम लोगों का लाइसेंस आज भी है। लेकिन ये सब संस्था चलते रहा और हम लोग जिला भर के खाद देते थे और उसमें एक भी पैसा नो प्रॉफिट नो अथवा लॉस पर संस्था चलता रहा। और इसमें इसके अध्यक्ष थे विजय बहादुर सिंह, सचिव कृपा नारायण सिंह, उपाध्यक्ष सत्यनारायण सिंह। इन लोगों ने निस्वार्थ भाव से इस संस्था को चलाया, आज तक कोई इतना मानदेय नहीं लिया। हाँ, गोदाम वोदाम के लिए हम लोग अपना उसका कुछ भाड़ा देना पड़ता था, एगो कार्यालय कलर मैसेज आ जिन से उनको हम कुछ बहुत दे देते मानदेय में, नहीं कि बाकी सब इसी से रहते। ये संस्था साल में 2 बार वैज्ञानिकों को बुला करके और किसानों को बुला करके 26 जनवरी और आपको 20 फरवरी 26 जनवरी 20 फरवरी को इसका हम लोग साल में सालगिरह मनाते हैं। और उसमें अधौरा से अच्छे अच्छे वैज्ञानिक, DAQ से मना करके देश से अच्छे अच्छे वैज्ञानिक किसानों को बुला करके इसका हम लोग उनको प्रशिक्षण दिलाते हैं। और उसके बाद जो है मई महीना में पैटको का भी अपना वार्षिक उद्घाटन हम लोग करते थे और उसमें भी सब किसानों को बड़ा करके खाद बीज हम लोग देते थे। और जो 1000 रुपये का शेयर था उसमें हम लोग 100 रुपया बोनस के रूप में देते थे किसानों। बहुत अच्छी बात। हाँ, और इसके लिए हम लोग बाहर से गिरिराज सिंह मध्य बिहार के मुख्यमंत्री में कुछ सुन रहे हैं, वो भी आए थे और DGP भी आए हैं इसमें और कलेक्टर साहब भी आए हैं, इसी पदाधिकारी भी इसमें आते रहे हैं। हम लोग जब जब वर्षगांठ मनाते हैं तब तक और विधायक भी अच्छे अच्छे लोगों को हम लोग बुलाकर करते हैं। लेकिन आज संस्था जो है सरकार ने जो कैटको बाजार खोल दिया तो किसान जो है अपने अपने प्रखंडों में, जिलों में ले रहे हैं। डीजल जो है इतना महंगा है तो ट्रैक्टर लेकर नहीं आ पाते हैं और जो हम लोग खाद लेते हैं वो बिक नहीं पाता। तो सर, हम हमारी यह से आपसे ये निवेदन है कि आप सरकार से, आपकी क्या गुजारिश है, आप सरकार से क्या अपनी आपकी आवाज़ सरकार तक हमारे थ्रू हम पहुंचाना चाहेंगे, तो आप सरकार से क्या ऐसा चाहते हैं कि जो सरकार आपकी मदद करे? हम सरकार से चाहते हैं कि जो है महंगाई वंगाई जो है थोड़ा सा कम करे, डीजल पेट्रोल कम करे,
खाद उत्पन्न करे और बीज जो है किसानों को जो मिल रहा है अनवरत मिलता रहे। हम लोग यही चाहेंगे और चाहेंगे कि हम लोगों के लिए रोड, चिकित्सा, शिक्षा, बिजली व्यवस्था और सिंचाई की व्यवस्था किसानों के लिए फास्ट मिलता है, इसको होना चाहिए सरकार से मिले। और हम लोग का ये संस्था है किसी पार्टी से, राजनीतिक पार्टी से परे है। हाँ, हम लोग जब चुनाव आता है तो देखते हैं कि कौन पार्टी अच्छा काम करेगा, कौन नेता अच्छा चरित्रवान है, उसी को हम लोग 5,000 संगठन में हैं किसान, उसी को हम लोग एक इकट्ठा अपना वोट देते हैं और हम लोग किसी पार्टी से परे नहीं, हम कोई पार्टी के बंधन में हम लोग नहीं है, पार्टी से नहीं है। हाँ सर, आप इस संस्था में कब से जुड़े हुए हैं और आप कौन से क्या पद पर काम करते हैं? हम इस संस्था में 1998 से जुड़े, जब शुरुआत से, जब इसका जन्म हुआ ना तब ये से हम ही लोग साथ ही में थे और उस समय शुरू में चंदा देकर 10-20 रुपया रजिस्टर कापी फलान दुकान करके ले लिए और उसके बाद तो चलता है, आज तक चल रहा जी, इसके हम मेम्बर। धन्यवाद, और ऐसा ही न्यूज़ देखने के लिए सर आज हमारे साथ जुड़े रहिए। आप बाकी खबरें भी अगर हमसे चाहते हैं तो आप हमसे जुड़े रहिए। एटीएस न्यूज़ हमारा चैनल आपका हमेशा आपके साथ रहेगा। और जैसा कि हम जानते हैं कि किसान हमारे देश के रीढ़ की हड्डी कहलाते हैं, बिना किसान के ना तो कोई एक अन्न खा सकता है। अगर हमारे पास अगर किसान की मदद करने के लिए कुछ ना है तो हम कहाँ से खाएंगे, कैसे जिएंगे? तो सबसे पहले हमारी सोच होनी चाहिए कि हम उन किसानों को मदद करें जो हमारे लिए दिन भर उस धूप में, उस कड़ी से कड़ी धूप में मेहनत करते हैं और हमारे लिए 2 टाइम की रोटी खाने के लिए वो लोग अनाज को उपजाते हैं। वैसे ही इस संस्था को भी आप लोग सपोर्ट कीजिए और आगे बढ़ाइए ताकि वैसे किसान को मदद हो और वैसे किसान आगे बढ़े ताकि हम लोग भी उन लोगों के द्वारा आगे बढ़े। धन्यवाद। और उसके बाद जो है मई महीना में पैकों का भी अपना वार्षिक उद्घाटन हम लोग करते थे और उसमें भी सब किसानों को बड़ा करके खाद बीज हम लोग देते थे और जो 1,000 रुपया का शेयर था उसमें हम लोग 100 रुपया बोनस के रूप में देते थे किसान। बहुत अच्छी बात। हाँ, और इसके लिए हम लोग बाहर से गिरिराज सिंह मध्य बिहार के मुख्यमंत्री में कुछ सुन रहे हैं, वो भी आए थे और डीजीपी भी आए हैं इसमें और कलेक्टर साहब भी आए हैं, किसी पदाधिकारी भी इसमें आते रहे हैं, हम लोग जब जब वर्षगांठ मनाते हैं तब तक, और विधायक भी अच्छे अच्छे लोगों को हम लोग बड़ा गर्व करते हैं। आज संस्था जो है सरकार ने जो कैटको बाज़ार खोल दिया तो किसान जो है अपने अपने प्रखंडों में, जिलों में ले रहे हैं, डीजल जो है इतना महंगा है तो ट्रैक्टर लेकर नहीं आ पाते हैं और जो हम लोग खाद लेते हैं वो बिक नहीं पा रहा है। तो सर हम हमारी यह आपसे ये निवेदन है कि आप सरकार से आपकी क्या गुजारिश है, आप सरकार से क्या अपनी आपकी आवाज़ सरकार तक हमारे थ्रू हम पहुँचाना चाहेंगे, तो आप सरकार से क्या ऐसा चाहते हैं कि जो सरकार आपकी मदद करे? हम सरकार से चाहते हैं कि जो है महंगाई वंगाई जो है थोड़ा सा कम करे, डीजल पेट्रोल कम करे, खाद कम करे और बीज जो है किसानों को जो मिल रहा है अनवरत मिलता रहे। हम लोग यही चाहेंगे और चाहेंगे कि हम लोगों के लिए रोड, चिकित्सा, शिक्षा, बिजली व्यवस्था और सिंचाई की व्यवस्था किसानों के लिए फास्ट मिलता है, इसको होना चाहिए सरकार से मिले। और हम लोग का ये संस्था है किसी पार्टी से, राजनीतिक पार्टी से परे है। हाँ, हम लोग जब चुनाव आता है तो देखते हैं कि कौन पार्टी अच्छा काम करेगा, कौन नेता अच्छा चरित्रवान है, उसी को हम लोग 5,000 संगठन में हैं किसान, उसी को हम लोग एक इकट्ठा अपना वोट देते हैं और हम लोग किसी पार्टी से परे नहीं, हम कोई पार्टी के बंधन में हम लोग नहीं है, पार्टी से नहीं है। हाँ सर, आप इस संस्था में कब से जुड़े हुए हैं और आप कौन से क्या पद पे काम करते हैं? हम इस संस्था में 1998 से जुड़े, जब शुरुआत से, जब इसका जन्म हुआ ना तब ये से हम ही लोग साथ ही में थे और उस समय शुरू में चंदा देकर 10-20 रुपया रजिस्टर कापी फलान दुकान करके ले लिए और उसके बाद तक चलता है, आज तक चल रहा जी, इसके हम मेम्बर। धन्यवाद, और ऐसा ही न्यूज़ देखने के लिए सर आज हमारे साथ जुड़े रहिए। आप बाकी खबरें भी अगर हमसे चाहते हैं तो आप हमसे जुड़े रहिए। एटीएस न्यूज़ हमारा चैनल आपका हमेशा आपके साथ रहेगा। और जैसा कि हम जानते हैं कि किसान हमारे देश के रीढ़ की हड्डी कहलाते हैं, बिना किसान के ना तो कोई एक अन्न खा सकता है। अगर हमारे पास अगर किसान
की मदद करने के लिए कुछ ना है तो हम कहां से खाएंगे, कैसे जिएंगे। तो सबसे पहले हमारी सोच होनी चाहिए कि हम उन किसानों को मदद करें जो हमारे लिए दिन भर उस धूप में, उस कड़ी से कड़ी धूप में मेहनत करते हैं और हमारे लिए दो टाइम की रोटी खाने के लिए वो लोग अनाज को उपजाते हैं। वैसे ही इस संस्था को भी आप लोग सपोर्ट कीजिए और आगे बढ़ाइए ताकि वैसे किसान को मदद हो और वैसे किसान आगे बढ़े ताकि हम लोग भी उन लोगों के द्वारा आगे बढ़े। धन्यवाद।